हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर टू कॉमर्स के बारे में। ये आईएससी का कॉमर्स है जिसमें हम लोग चैप्टर टू कैपिटल, फिक्स एंड वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट का नाम फाइनेंसिंग है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो हम लोग ने एमसीक्यू इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आपका ये नोट्स की तरह भी काम करे, ठीक है। तो इसको लर्न भी कर सकते हैं। हाँ, प्लस जब चैप्टर्स ये पूरे हो जाएंगे तो हम लोग टेस्ट पेपर्स आपको देंगे ताकि फिर आप अपने आप को जज कर सकें कि आपने जो एमसीक्यू से जो आपने नोट्स याद किए हुए हैं वो आपके नोट्स आपको कितना ज़्यादा याद हैं, अपने आपको टेस्ट कर सकते हैं। ये एमसीक्यू आपको जनरल आइडिया देने के लिए है कि कैसे एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ सकते हैं, प्लस आप इसको लर्न करके अपना चैप्टर भी कम्प्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डैश रिफर्स टू द मनी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट इन द बिजनेस फर्म। तो सही आंसर है आपका बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जो हम अपने बिजनेस में पैसा लेके आते हैं उसको या तो क्रेडिट पे लेके आते हैं, जहाँ से भी लेके आते हैं उसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मे बी डिफाइन एज प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी एंड द कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड यूज इन कनेक्शन विद बिजनेस। तो इसका सही आंसर है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में क्या होता है, हम फंड की प्लानिंग करते हैं, कहाँ से फंड हमको रेज करना है और जो फंड हमारे पास आ गया या फिर जो फंड हमारे पास पहले से, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उस पैसे को कहाँ पे लगाना है, ठीक है, और उसका किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो ये सारा कुछ हम लोग बिजनेस फाइनेंस में करते हैं। तो इसका सही आंसर है बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो क्या है इम्पोर्टेंस बिजनेस फाइनेंस का, क्यों बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला है इस्टेब्लिशिंग एन इंटरप्राइज। एक इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा है परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स खरीदने के लिए भी आपको बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी आपका एक दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। आपको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ करना है, आपको अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, तो उसके लिए भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है बिजनेस फाइनेंस की। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे कुछ ही हमारे इम्पोर्टेंस है बिजनेस फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फिर से वही क्वेश्चन है। द फर्म कैन ईजली मीट इट लाइबिलिटी इन टाइम। तो बिजनेस फाइनेंस होने से फ़ायदा क्या होता है, जो फर्म है वो अपनी लाइबिलिटीज़ को आराम से मीट कर लेती है, और उसी के साथ है द फर्म कैन फेस रिसेशन, ट्रेड साइकिल एंड अदर क्राइसिस मोर ईजली एंड कॉन्फिडेंटली। तो ये भी एक फ़ायदा है बिजनेस फाइनेंस होने का, कि जो बिजनेस फाइनेंस होने की वजह से अगर फर्म रिसेशन का समय आता है, अगर सेल्स बहुत डाउन हो जाती हैं, तो उस कंडीशन पे बिजनेस उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सकती है अगर उसके पास फंड हैं तो। तो जो भी क्राइसिस हैं वो बिजनेस फाइनेंस से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है टू पॉइंट नंबर सेकंड। द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो फर्म जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांसेज भी यहाँ पर ले सकती है, अगर उसको लगता है कि हाँ ये सामान का दाम बढ़ने वाला है, उसको ढेर सारा खरीद कर रख लिया, ठीक है, बाद में जब उसका प्राइस बढ़ा तो उसको बेच दिया। तो ये सब चीज़ें बिजनेस मतलब बिजनेसमैन कर सकता है उसके पास अगर पर्याप्त बिजनेस फाइनेंस हो तब। नेक्स्ट है द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इसमें क्या है, बिजनेस फाइनेंस होने की वजह से बिजनेस के किसी भी काम में रुकावट नहीं आती और जो बिजनेस है बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है बिना किसी इंटरप्शन के। तो सही आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म।
अब एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप आप समझते हैं जहाँ पे केवल एक सिंगल ओनर ही बिजनेस में होता है और वही बिजनेस का मालिक होता है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या सोर्स है, मतलब वो कहाँ से फंड अरेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे फंड अरेंज कर सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है ओनर्स कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, या तो उसके पास जो फंड पहले से पड़े हैं उसकी सेविंग से, वो हो गया उसका ओनर्स कैपिटल। और रिटेन अर्निंग का मतलब हो गया कि जो हर साल वो पैसे कुछ हर महीने कमा रहा है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा वो जोड़ते रहे, तो उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो ये तरीके से हमारा जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो पैसे इकट्ठा करता है। सेकंड है लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव, या किसी फ्रेंड और रिलेटिव से लोन ले ले, तो ये भी ऑप्शन उसके पास होता है। तीसरा क्या है, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसके बाद ये भी ऑप्शन होता है कि बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब देखिए कुछ इसके क्वेश्चन पॉइंट्स बचे थे तो मैंने एक और क्वेश्चन बना दिया। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द स्टेट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो अलग अलग फाइनेंस कॉरपोरेशन है स्टेट लेवल पे जहाँ से एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का जो ओनर है जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, वो वहाँ से लोन ले सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से भी वो लोन ले सकता है। उसके बाद लोन फ्रॉम फंड हम लोगों ने बात कर लिया, तो इसका भी सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ पार्टनरशिप, तो कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर सोर्स ऑफ फाइनेंस देखा जाए तब क्या ऑप्शन है। तो पार्टनरशिप फर्म आप समझते ही हैं, तो पार्टनरशिप के लिए क्या है, ओन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ है, भाई दो पार्टनर हैं जिस एग्रीड रेशियो में उन्होंने बात किया है आपस में, उस एग्रीड रेशियो में वो अपना पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर ने बात किया है 5 लाख लगाएंगे, दूसरे ने काम 7 लाख लगाएंगे, तो उनका जो भी एग्रीड रेशियो रहेगा 5:7 उसमें वो पैसे को लगा सकते हैं। रिटेन प्रॉफिट, ये आप समझ ही गए, हर साल जो प्रॉफिट हो रहा है उसी को कुछ हिस्सा उसको बिजनेस में रहने देते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करता है तो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स, ये बहुत अच्छा फाइनेंस होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन मिल जाता है, मतलब सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल ले लिया और उसको कहा कि आपको कुछ दिन बाद पैसे देंगे, और सामान बना के उसको बेच दिया और पैसे ले लिए, फिर उसका कुछ नया सामान खरीद लिया, तो वो जो बीच का मार्जिन टाइम मिल जाता है 15-20 डेज का, उसमें कई बार बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो यही है इसमें शॉर्ट टर्म लोन फॉर सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। उसके बाद है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इनके पास भी ऑप्शन होता है कि ये लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल बैंक से, मतलब कमर्शियल बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी जो शेयर इशू करती है, अब उसके लिए क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस है अवेलेबल है हमारे पास। तो पहला है इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके फाइनेंस की व्यवस्था कर सकती है। दूसरा है रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जो भी पैसा है वो फिर से री इन्वेस्ट करके रिटेन प्रॉफिट से भी पैसा अरेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे रिटेन प्रॉफिट मैंने आपको बताया ना कि हर साल प्रॉफिट हो रहा है, कुछ पैसा उठा के रख दिया, तो वो रिटेन प्रॉफिट हो गया। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर इशू करने का राइट्स जॉइंट स्टॉक कंपनी को होता है, वो अपने राइट्स को इशू करके डिबेंचर इशू कर सकती है। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो और क्या क्या अलग अलग हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है बॉन्ड, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बॉन्ड भी इशू कर सकती है फंड को अरेंज करने के लिए। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है कमर्शियल बैंक से, या फिर ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। तो ये सब चीज़ आपने देख लिया कि प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या कर सकती है फाइनेंस के लिए,
पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है फाइनेंस के लिए, और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या कर सकती है फाइनेंस के लिए। तो सोर्सेज को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अभी हमारे आने वाले सैम्पल पेपर्स में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हम लोग फ्रेम करके देंगे। अभी आप लर्न कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उस सैम्पल पेपर को लगाने में आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर प्रोग्राम एंड बजट टू डील विद फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंटरप्राइज। तो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं, मतलब एक तरीके से कि हम डिसाइड करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंपनी का, क्या पॉलिसी होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए कंपनी का, क्या बजट होना चाहिए, मतलब जितनी भी फ्यूचर वाली चीज़ें हैं ये वो डिस्कस करने की बात हो रही है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ दिखे जहाँ फ्यूचर की बातें डिस्कस करने की बात हो रही हो, तो आप समझ जाइए ये पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट करता है प्लानिंग से और पैसे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग सही आंसर है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। डैश इन्वॉल्व्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग में दोनों चीज़ आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा शॉर्ट टर्म भी होता है लॉन्ग टर्म भी होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म आपका होगा एक साल के अंदर, कभी भी एक महीने का, दो महीने का, और लॉन्ग टर्म एक साल से ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं, द स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे स्टेप्स जो हैं आपको एग्ज़ाम में ऊपर नीचे करके दे सकता है, उसको आपको सही करने के लिए आएगा। तो स्टेप को इसी तरीके से याद करिए, 1 2 3 4 चार स्टेप्स होते हैं, चार स्टेप को उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं कि कितने पैसे की हमको ज़रूरत है और क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। फिर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, उस पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ काइंड ऑफ सिक्योरिटी टू बी इशू, कौन सा सिक्योरिटी इशू करना है, शेयर इशू करना है, बॉन्ड इशू करना है, डिबेंचर इशू करना है, ये सब हम डिटरमाइन करते हैं पॉइंट नंबर थ्री में। पॉइंट नंबर फोर में फॉर्मूलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी प्रोसीजर एंड बजट। अब यहाँ पे जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोसीजर हैं, बजट हैं, उसको बना के उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो गया ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर। तो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। तो इट फैसिलिटेट द कलेक्शन एंड द ऑप्टिमम फंड प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस। तो फ्यूचर में कोई चैलेंज ना आए, ठीक है, इसीलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। सेकंड क्या है, हेल्प इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में हमें हेल्प करता है, मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको करने में ईजी होता है अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखे हैं पहले से तब। इट हेल्प इन फिक्सिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अपने बिजनेस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको भी फिक्स करने में ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है। तो सही आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है, तो बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर, कुछ इंपॉर्टेंस रह गए थे, तो क्या क्या है, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। अगर आपने प्लानिंग अच्छी की हुई है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। लिंकिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आप प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर सकते हैं और आपको जो भी फ्यूचर में अचीव करना है आप प्रेजेंट में उसको इस बेटर तरीके से काम करके अचीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल होने की वजह से आपका पैसे की प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से ये सब कंपनी को फ़ायदा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी यूज बाय फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो क्या है इसमें, डैश मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो इसका सही आंसर आपका होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम देखते हैं कितना हमारे पास डेप्थ है और कितना इक्विटी है। डेप्थ मतलब हो गया कितना उधार है, इक्विटी मतलब कितना ओनर्स फंड हमारे
बिजनेस में है, ठीक है, और हमें कितना उसकी फाइनेंसिंग हमने कितनी की है और कितना करना बाकी है, ठीक है। क्योंकि देखिए डेप्थ आप जब लेते हो तो वो आप उधार लेते हो, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। इक्विटी क्या है, जब प्रॉफिट हुआ तब आपको देना होता है, तो इसीलिए कंपनी हमेशा कोशिश करती है वो इक्विटी शेयर ही इशू करे। हाँ थोड़ा मोड़ा पैसा चाहिए तब वो डेप्थ से काम चला लेती है। तो सही आंसर है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी, पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर आर, क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो पहला है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरा है कॉस्ट ऑन इक्विटी, उसके बाद है पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं कि कितना कैपिटल हमको अरेंज करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बिज़नेस में कितना कैपिटल हमको चाहिए, इस चीज़ की प्लानिंग करना, इस चीज़ को क्या इफ़ेक्ट करता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, अभी इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर आर, और क्या चीज़ें होती हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्थ, आप जो डेप्थ ले रहे हो कितना महंगा ले रहे हो, कितना सस्ता, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है और कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। कंट्रोल ओवर द कंपनी, बहुत ज़्यादा आपने इक्विटी इशू कर दिया तो आपका कंट्रोल कंपनी से ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते समय कंपनी में जो ओनर है वो ध्यान देता है, ठीक है, कि ये सब चीज़ें उसमें रहें। अब आते हैं इस चीज़ को समझते हैं जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा। When company use borrowed fund with the equity capital, it is said to be dash its main objective is to increase the return on equity share. तो equity share पे return company को देना है, तो company ने क्या किया, company ने borrowed fund को use किया, ठीक है ना। क्यों use किया, ताकि उसको equity shares को return दे सके। तो इसका सही answer क्या होगा, trading on equity। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिया जाए। तो उनका जो पैसा है वो तो हम यूज़ करते ही हैं, प्लस वो बोरोड फंड जो हम डेप्थ उठाते हैं मार्केट से उसको भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन टू यूज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल आर। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं। पहला है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, जो आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो आपका 3% है, तो 7% आप ज़्यादा कमा रहे हो, तो ये आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिचुएशन है। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन डेप्थ इज डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर कैलकुलेटिंग टेस्ट। तो इसमें क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में आप फिर कैसे रह सकते हो, जो आप इंटरेस्ट डेप्ट पे कर रहे हो वो प्रॉफिट में माइनस हो जाता है, तो आपका जो एक तरीके से टैक्स होता है वो कम हो जाता है, तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये भी एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंडीशन है। तो इसका सही आंसर है 3, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं शेयर होल्डर एक्सपेक्ट अ हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी विच इज़ अफेक्टेड as the use of debt capital, use of higher debt in the capital structure might rise the financial risk, so debt should be used only to limited level. If the debt is used by a certain point and dash may go up sharply and the share price in the market may decrease. अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर आप डेप आपने मान लीजिए शेयर इशू किया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ आपने मार्केट से डेप्थ भी उठा लिया है, और कंडीशन क्या हो गया है कि आपने डेप्थ बहुत ज़्यादा उठा लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा उधार आपने ले लिया है मार्केट से, ठीक है, इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मार्केट से आपने डेप्थ बहुत ज़्यादा उठा लिया है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिचुएशन क्या होगी कि आप जो आपने जो पैसा रेज किया है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी,
ठीक है ना, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा, जब आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं किसी भी पैसे पे तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन पे इसका सही आंसर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हेन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द परमानेंट इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी इक्विटी शेयर इज प्रिफर्ड, बट व्हेन द फंड आर रिक्वायर्ड टू फाइनेंस एक्सपेंशन प्रोग्राम इट मे इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। अब बताइए ये किस में आएगा, तो ये इसका सही आंसर है पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब यहाँ पे क्यों पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग का सही आंसर है, क्योंकि जब आप फाइनेंस करते हो, जब आप मार्केट से पैसा अरेंज करते हो, तो आप ये भी देखते हो कि फ़ंड का रिक्वायरमेंट कैसा है। अगर आपका बहुत लंबे समय का रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इक्विटी शेयर इशू करने का, आप प्रेफरेंस शेयर इशू करिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और जैसे ही आपका काम हो जाए आप उनका पैसा रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो जैसा हमारा मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से हम पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग डिसाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो इक्विटी करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर सबसे अच्छे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट, अ कंपनी एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेप्थ अबव द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि कोई कंपनी है वो अगर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठा रही है, ठीक है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठा रही है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले सके। भाई अगर आपको कम रेट पे अगर पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बिजनेस आपको करना ही है, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके कॉस्ट ऑफ डेप्थ है वो कंट्रोल में है तो आपको दिक्कत नहीं होगी पैसे लेने में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेप्थ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने लोन ले लिया, आपने बड़े हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया, अब आप पैसा ही नहीं पे कर पा रहे हो, तो इसका सही आंसर है कॉस्ट ऑफ डेप्थ। तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, बहुत महंगा उधार लेना बहुत ही हानिकारक हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द कंपनी मस्ट प्रिफर डेप्थ इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, बट इफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कंपनी शुड अवॉइड द डेप्थ एंड रिलाई ऑन द इक्विटी कैपिटल। अब यहाँ पे क्या है कि अब मान लीजिए जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब आप जो कमा रहे हो वो मान लीजिए 15% आप कमा रहे हो, और उस कंडीशन पे जो आप डेप्थ मार्केट से उठाए हो, आपने 18% पे मार्केट से डेप्थ उठाया हुआ है उधार, तो उस कंडीशन पे आपके लिए बेकार है बिजनेस करना, 3% आप लॉस में जा रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। इक्विटी शेयर इशू करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपका जब प्रॉफिट होता है तभी आपको प्रॉफिट बांटना होता है, ठीक है ना, आपको अपने जेब से पैसे नहीं देने होते। तो इसका सही आंसर है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं अपने बिजनेस का तो हम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं कि हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है। अब आते हैं नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर आर एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे वांट टू कंट्रोल द कंपनी थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इफ़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर विशेज टू रिटेन द कंट्रोल ओवर द कंपनी इन देयर हैंड दे मे नॉट अलाउ टू इशू फर्दर इक्विटी शेयर टू द पब्लिक, इन सच अ केस मोर फंड मे बी रेज बाय द प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल कंपनी से न खोए, ठीक है, तो उस कंडीशन पे इक्विटी शेयर इशू करना बेकार है। उस कंडीशन पे आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, या तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू करो या तो आप डिबेंचर इशू करो। प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे रिडीमेबल वाला, 3 साल 4 साल 5 साल में पैसे वापस कर दोगे, यही साथ डिबेंचर में भी होता है, डिबेंचर भी आप कुछ सालों बाद पैसे वापस कर देते हो। तो जो भी डिबेंचर शेयर होल्डर हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, ऐसे रिडीमेबल वाले जो भी हैं उनको आपको उनका आपका कंट्रोल नहीं खोता कंपनी से, ठीक है ना, लेकिन इक्विटी में आपका कंट्रोल खो जाता है। अगर आप चाहते हो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से बने कि आपका कंट्रोल बिजनेस पे बना रहे, तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप
क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर मत इशू करो। उसका सही आंसर है कंट्रोल ओवर कंपनी। नेक्स्ट आते हैं, द मार्केट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द कैपिटल मार्केट इन्फ्लुएंस द डिटर्मिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड ड्यूरिंग डिप्रेशन। पीपल डू नॉट लाइक टू टेक रिस्क सो दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इक्विटी शेयर, बट इन बूम इन्वेस्टर आर रेडिली टू टेक रिस्क एंड इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर। एबव स्टेटमेंट अफेक्ट विद द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है कि बूम के टाइम में हर एक आदमी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है कैपिटल मार्केट में, लेकिन रिसेशन के टाइम में सब डरे होते हैं, वो अपने पैसे को बचा के रखते हैं, वो डिप्रेशन के टाइम में वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो ऐसे कंडीशन पे आपके लिए सबसे सही क्या है? तो सही ये है कि आप कैपिटल मार्केट कंडीशन देखें और तब वहाँ पे शेयर इशू करने का सोचें। नहीं तो इस कंडीशन में अगर आप रिसेशन में या फिर डिप्रेशन में आप अगर ऐसे टाइम पे अगर शेयर इशू करते हैं जिस समय मार्केट में डिप्रेशन का माहौल है, तो उस कंडीशन पे आपके शेयर सब्सक्राइब ही नहीं होंगे, लोग आपके शेयर ख़रीदेंगे नहीं, तो फिर आपका पूरा इशू ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कि क्या मार्केट कंडीशन है, क्या सिचुएशन सही चल रहा है, शेयर इशू करने लायक स्थिति है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द फंड रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स एसेट्स दैट आर टू बी यूज सेपरेटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन सा एसेट्स कौन सा सही आंसर होगा? तो उसका है हमारा फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल लॉन्ग पीरियड के लिए बना है। आर दोज एसेट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द परमानेंट यूज बाय द कंपनी एंड आर नॉट मीन फॉर रीसेल। तो इसका भी सही आंसर आपका होगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट जो होता है वो कंपनी खरीदती इसलिए ताकि वो परमानेंट यूज़ करे और उसको रीसेल ना करे। हाँ, वो ख़राब हो गया, पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, तब उसको कंपनी रीसेल करती है। नहीं तो कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मशीन खरीद के उसको रीसेल करे, क्योंकि मशीन से वो मशीन का बिजनेस वो नहीं कर रही है, मशीन से वो बिजनेस कर रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल आर। कौन कौन से फैक्टर फिक्स कैपिटल को इफेक्ट करते हैं? तो नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। नेक्स्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल आर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डाइवर्सिफिकेशन लेवल ऑफ कोलेबरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं इसके स्टडी पे। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस वैरीज, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैनुफैक्चरिंग कंपनीज रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स कैपिटल सच एज लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, वाइल ट्रेडिंग इंटरप्राइज रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल। एबव स्टेटमेंट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल आर। यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक बड़ा फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है उसके कंपेयर में जो ट्रेडिंग फर्म है, क्योंकि ट्रेडिंग फर्म क्या करती है, सामान खरीदा उसको बेच दिया उसके बाद तुरंत कैपिटल आ जाता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसको स्टॉक इकट्ठा करके बेचना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो उस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर, उस तरीके का फिक्स कैपिटल अरेंज करता है। फिक्स कैपिटल पे वो ज़्यादा जोर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल अरेंज करता है। तो इसका सही आंसर है नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर डिफाइन करता है कि क्या चीज़ें आपके फिक्स कैपिटल को इफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है, साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज स्केल इंटरप्राइज जनरली रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल देन अ स्मॉल स्केल इंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न लाइक रेलवे एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। एबव स्टेटमेंट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स एसेट्स आर। तो इसका सही आंसर है आपका साइज ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, ठीक है, और अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं जैसे इसमें रेलवे का बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का,
तो इस कंडीशन पे आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ठीक है, फिक्स कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे कंडीशन पे आपको आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिजनेस में जो फंड है वो धीरे धीरे फ्लोट करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका साइज ऑफ बिजनेस है। नेक्स्ट आते हैं, सर्विस एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल दैट वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन अदर प्रोसेसिंग एंड सिंथेटिकली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एवब स्टेटमेंट इज द फैक्टर अफेक्टिंग। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप अपने टेक्निक्स के वजह से आपको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है। जैसे अगर आप असेंबलिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सामान असेंबल करना है तो आपको सारे प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ेंगे। और उसके कंपेयर में अगर कोई आप ऐसा एक छोटा सा कोई पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कम से कम पैसे में आपका वो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है टाइप्स ऑफ टेक्निक, आप कैसा टेक्निक अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो ये भी डिफाइन करता है कि आपको कितना फिक्स कैपिटल लगाना है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन अ कंपनी वांट टू टेक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इट माइट डिसाइड टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट इन विच इट वुड रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कोई कंपनी है वो अलग अलग मार्केट में जाना चाहती है, नए प्रोडक्ट्स को लेके आना चाहती है, तो ये डिपेंड करता है वो कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी इतना ज़्यादा ग्रोथ के बारे में सोच रही है तो वो अपने फिक्स कैपिटल को उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि उसको कई जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सही आंसर इसका है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं, फर्म में चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन इनटू वेरियस एरिया। इफ़ अ फर्म डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन देन द फिक्स कैपिटल अमाउंट बी इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसी को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। कोई जैसे अब पतंजलि का एग्जांपल ले लीजिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके पास है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल ले लीजिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट इनके पास हैं। तो अगर कोई ऐसा बिज़नेस प्लान कर रहा है तो सिंपल सी बात है डाइवर्सिफिकेशन आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा है, तो आपको फिक्स कैपिटल पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल आपको अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, If a company are preferring a joint venture, the company will need less fixed capital as they can share plant and machinery with their co-venture. But if a company prefer to operate independently, then there is more requirement of the fixed capital. Above statement is the fact. अब इसमें क्या बता रहा है, कोई कंपनी अगर जॉइंट वेंचर में काम करना चाहती है तो उसको फिक्स कैपिटल कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि दूसरे कंपनी का फिक्स कैपिटल, फैक्ट्री का जो मशीन है वो सब कंपनी यूज़ कर सकती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है लेवल ऑफ कोलेबरेशन, आप कैसा कोलेबरेशन कर रहे हैं। हाई लेवल पे कर रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए, लो लेवल पे कोलेबरेशन कर ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश is the portion of the capital which is required for the holding current assets like stock of material, finished goods, bill receivable. तो ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, working capital में। क्यों? क्योंकि ये सब day to day वाली चीज़ें हैं, stock आप रोज़ खरीदते बेचते हो, finished goods बना रहे हो, ठीक है, तो ये सब का आंसर आपका होगा working capital का सही आंसर है। अब आते हैं, working capital is also known as, तो दोनों ही आंसर सही है, सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड रिवॉल्विंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के दो अलग अलग नाम है तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, द टर्म वर्किंग कैपिटल इज़ यूज एज, तो वर्किंग कैपिटल के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो उसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 3, 1 एंड 2। अब हम लोग आगे देखेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स, तो जितना आपके पास करेंट एसेट्स है उसकी टोटल वैल्यू को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता ही क्या है,
जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें जो आप रोज रोज पैसे चाहिए होते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जितने भी करेंट एसेट्स होते हैं वो हमारे वर्किंग कैपिटल के लिस्ट में आते हैं, उसको हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब देखिए, डेट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लाइबिलिटी। अब आपकी कुछ लाइबिलिटीज़ बाकी हैं, आपका 10 लाख रुपीज़ का करेंट एसेट्स है, 2 लाख का आपका लाइबिलिटी है, तो 2 लाख की लाइबिलिटी आपने पे कर दिया, तो अब जो बचा उसको हम बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, ग्रॉस मतलब पूरा हो गया और लाइबिलिटी उसमें से माइनस कर दिया, तो जो बचा 8 लाख रुपीज़ वो आपका कहलाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 2, नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है, डैश रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो कुछ ऐसा पैसा कि आपको कम से कम उतना चाहिए ही बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम लेवल पे, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। क्योंकि इतने उतने उतने पैसे अगर नहीं है तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फिक्स जब कैपिटल की बात होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल की, तो उसका आंसर सही है परमानेंट वर्किंग कैपिटल हम उसको बोलते हैं, कि वो आप उतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है, डैश इज़ द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूस बिजनेस ऑपरेशन, इट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लाइबिलिटी। तो अब देखिए इसका क्या आंसर है, कि वर्किंग कैपिटल के लिए ये रिक्वायर्ड ही है कंटिन्यूस बेसिस पे, एंड इट रिप्रेजेंट द एक्सेस करेंट ओवर करेंट लाइबिलिटी। तो इसका सही आंसर आपका होगा इनिशियल वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए, नहीं परमानेंट ही है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इसका सही आंसर है। ठीक है, जो ऊपर था वही सेम चीज है। नेक्स्ट आते हैं, डैश दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, इट इज़ द अमाउंट ऑफ विच इज़ नीडेड टू स्टार्ट बिजनेस। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उस पैसे को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। तो इसका सही आंसर है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश इट इज़ दैट वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड इन एडिशन टू परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल एंड अ स्पेशल नीड ऑफ बिजनेस। तो स्पेशल नीड ऑफ बिजनेस को ट्रैकल करने के लिए कौन सा हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इन इन द वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द सीजनल एंड स्पेशल नीड। तो सीजनल और स्पेशल नीड दोनों साथ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका सही आंसर जो है वो है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल से हमारे दोनों ही नीड्स, सीजनल और स्पेशल नीड्स पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश मीन द एडिशनल वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन। अब सीजन वर्ड यूज़ कर रहा है यहाँ पे, कि एक पर्टिकुलर सीज़न में दिवाली के समय हमको 10 लाख चाहिए ताकि हम बिजनेस बढ़ा सकें, तो उसका सही आंसर होगा सीजनल वर्किंग कैपिटल। तो इन ऊपर और इस वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यहाँ पे सीजनल और स्पेशल दोनों वर्ड यूज़ किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको रेगुलर वर्किंग कैपिटल बताया है। और यहाँ पे क्या है, सीजनल स्पेसिफिकली यूज़ किया है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सीजनल वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट आंसर है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज इन द बिजनेस। अब फ्यूचर कंटिजेंसीज, अब कुछ भी मान लीजिए बिजनेस में हो गया, ठीक है, कुछ अचानक से कुछ कंटिजेंसीज आ गई, तो उस कंडीशन पे हम कौन सा पैसा यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है, तो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल को क्या होता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इन्फ्लेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वही पैसा जो हम डेली बिजनेस में सर्कुलेट करते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, द बिजनेस यूनिट विच डू नॉट कीप वेरी हाई स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड विल सेल गुड्स ऑन द कैश बेसिस
नीड लेस वर्किंग कैपिटल वाइल ट्रेडिंग कंसर्न नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा स्टॉक रखता है तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो कम स्टॉक रखता है ट्रेडिंग कंसर्न है उसको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर आप उधार पे सामान बेच रहे हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन पे आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए। तो उसका सही आंसर है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि कोई बिजनेस कितना वर्किंग कैपिटल का व्यवस्था करेगा अपने बिजनेस में। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ कंसर्न हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिग एंटरप्राइज नीड हायर वर्किंग कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द करेंट एसेट्स। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो साइज है बिजनेस का वो भी डिपेंड करता है कि कितना आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप कोई फैक्ट्री बिल्ड करते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल करोड़ों में होगी। अब आप बिस्किट बिल्ड करते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल होगी 10-20 लाख में आप इस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करता है क्या आपकी वर्किंग कैपिटल होगी। नेक्स्ट आते हैं, फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग द बूम द मार्केट इज फ्लरिशिंग सो मोर डिमांड प्रोडक्शन मोर स्टॉक। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब अगर मार्केट बूम पे है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से आपको सप्लाई करना होता है। तो उस कंडीशन पे सही आंसर यहाँ पे होगा बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल को भी देखते हुए हमको अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना घटाना होता है। ठीक है ना, अगर मार्केट बूम पे है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, मार्केट रिसेशन या डिप्रेशन में है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ़ अ कंपनी इज़ using labor intensive then the company have to maintain more working capital। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर कोई कंपनी है वो लेबर इंटेंसिव काम कर रही है then the company will have to maintain more working capital। तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्यों? डेली आपको ढेर सारे पेमेंट्स लेबर्स को करने होंगे। ठीक है, मशीन क्या है, एक बार खरीद लिया आराम से उसको यूज़ कर रहे हैं, डेली पेमेंट नहीं करना होता, लेकिन लेबर इंटेंसिव वर्क कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, डेली वेजेस पे करने पड़ेंगे। तो इसका सही आंसर है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आप कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं वो डिफाइन करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल का लेवल कैसा होगा, कैसा वर्किंग कैपिटल आप अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है, फर्म प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज फॉर द एक्सपेंशन दे नीड टू इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि अगर फर्म चाहता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, तो सिंपल सी बात है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए ही। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे ना, ज़्यादा रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पर आपको बेचना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अगर किसी बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है तो उसको वर्किंग कैपिटल भी ग्रो कराना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ देयर इज इंक्रीज और राइज इन द प्राइस देयर द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड द कॉस्ट ऑफ द लेबर विल राइज इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अबाउट द फिक्स। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकती है, महंगा हो सकता है, तो उस कंडीशन में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगा तो आप जब माल सस्ता है तो ख़रीद कर रख सकते हो ताकि आपके प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो ये भी डिपेंड करता है आपका बिज़नेस किस तरीके का है, उस हिसाब से आप अपने बिज़नेस को वर्किंग कैपिटल दे सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आगे हम लोग और भी वीडियोस भेज रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।